गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री। आज हम लोग SST में लेसन फोर आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस मेक अप आवर एनवायरनमेंट। लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव, जितने भी हमारे आसपास जो देख रहे हैं ये सभी मिलकर एनवायरनमेंट वातावरण का निर्माण करते हैं। द लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स एनिमल वर्ड्स ट्री प्लांट्स एंड फ्लावर्स। एनिमल थिंग्स में लिविंग थिंग में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, हम मानव, एनिमल्स वर्ड्स ट्री प्लांट्स एंड फ्लावर्स। द नॉन लिविंग थिंग्स आर लैंड एयर वाटर सॉइल बिल्डिंग हाउसेज etc। अगर कोई आपसे पूछे कि पांच लिविंग थिंग और पांच नॉन लिविंग थिंग का नाम बताइए, तो आराम से यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे लिविंग थिंग में आपका हो गया ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स वर्ड्स ट्री प्लांट्स फ्लावर्स। उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग में लैंड, लैंड मीन्स ज़मीन, एयर हवा, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, बिल्डिंग घर हाउस घर etc। नेचुरल इन्वायरमेंट इज फॉर्म्ड बाय नेचर, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसका निर्माण नेचर करता है। वेयर एज द मैन मेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। जबकि हम मानव जो प्रकृति द्वारा जो एनवायरनमेंट दिया गया है उसमें हम चेंजिंग लाने का प्रयास कर रहे हैं। दस द चेंज इन द एनवायरनमेंट मे ऑकर ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है राइट एल फॉर लिविंग एंड एन फॉर नॉन लिविंग फॉर द गिवन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। जो लिविंग थिंग है उसमें एल लिखिएगा यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लग रहा है कि लिविंग थिंग है तो यहाँ पर लिखिएगा एल, और यदि आपको ये लग रहा है कि ये नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पर लिखना है आपको एन, इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर जितने जो दिए गए हैं उन सबको आप भर लीजिएगा लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सेकंड पेज में। द ह्यूमन एक्टिविटी मेक द एनवायरनमेंट डर्टी और इम्प्योर, और ह्यूमन मानव के जो एक्टिविटी है उसके कारण हमारा एनवायरनमेंट जो है से डर्टी मतलब गंदा और प्रदूषित। डर्टी या इम्प्योर मतलब होता है प्रदूषित, हम लोगों ने उसको प्रदूषित कर दिया है। इन अदर वर्ड्स आवर एनवायरनमेंट्स गेट्स पोल्यूटेड, और हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो चुका है। सबसे पहले पोल्यूशन में पोल्यूशन के कई फॉर्म हैं। पहला है एयर पोल्यूशन। एयर गेट्स पोल्यूटेड बाय मेनी वे, सम ऑफ देम आर द रिलीज ऑफ अ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री एंड व्हीकल्स। जितने भी हमारे देश में या विदेशों में जो भी फैक्ट्री
और गाड़ियां चलती हैं और उससे धुएं निकलते हैं, उसके कारण भी हमारा एयर जो है से पोल्यूटेड हो रहा है। दूसरा है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और लकड़ी के जलने से, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ के जलने से भी जो फ्यूल्स निकलते हैं उनसे भी जो है से आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूटेड हो रहा है। ब्रशिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जो आप लोग पटाखे छोड़ते हैं दीपावली में या दूसरे पर्व में, उसके कारण भी पोल्यूशन हो रहा है। और तीसरा है बर्निंग ऑफ गैरबेज, मतलब जो चीज़ हम लोग बेकार पदार्थ को जलाते हैं उससे भी जो है से पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर कुछ फिगर आपको दी गई है जिसको ध्यान से देखिए। अ स्मोक फॉर फैक्ट्री, इस फैक्ट्री से कितने धुएं निकल रहे हैं, वे धुएं जो है से एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है अ स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल्स से भी आपका देखिए वाहन से कितना धुआं निकल रहा है, इस धुएं के कारण भी हमारा एयर जो है से पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूटेड एयर कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड मे ऑल्सो कॉज द रेडनेस ऑफ द आई, और पोल्यूशन के कारण, या हम लोग कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन के कारण ब्रीथिंग प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें से एक सबसे बड़ी बीमारी है अस्थमा और दूसरी आँखों में जलन। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई एयर पोल्यूशन, और एनिमल और प्लांट दोनों जो है से एयर पोल्यूशन के कारण अफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। अगला है वाटर पोल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाई द वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है। पहला है वॉशिंग क्लॉथ एंड अटेंसिल्स इन द वाटर बॉडी, जो नदियों में, नालों में, पोखर में जो हम लोग कपड़े धोते हैं या वैसे सामान जो हम लोग उस नदी में या पोखर में या तालाब में हम लोग डाल देते हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसके कारण भी जो है से वाटर पोल्यूशन फैल रहा है। दूसरा है वाथिंग ऑफ एनिमल्स इन वाटर बॉडी, और जो जानवर को हम लोग नदी में, तालाब में धोते हैं उसके कारण भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तीसरा है थ्रोइंग द हाउस होल्ड वास्ट एंड वास्ट फ्रॉम फैक्ट्री इन द वाटर बॉडी, घरों से जो कचरे निकलते हैं और फैक्ट्रियों से जो कचरे निकलते हैं जो सीधे जाके पानी में मिल जाते हैं, उसके कारण भी जो है से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वाटर जो है से कैसे पोल्यूटेड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग गाय को धो रहे हैं, जानवर को धो रहे हैं, और फैक्ट्री तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन फैक्ट्री से भी पानी जो फैक्ट्री का जो बेकार होता है वो भी पानी में मिलता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। आगे द पोल्यूटेड वाटर इज वेरी हार्मफुल फॉर एवरी वन एज इट इज द मेजर काउज ऑफ सीरियस डिजीज, और हम कह सकते हैं कि पोल्यूटेड वाटर के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है। फिश इन वाटर आर टू बैडली अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेड वाटर, और जो मछलियां जल में रहती है इस एयर वाटर पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन जिसको हम लोग कह सकते हैं भूमि पर दूषित, लैंड गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब लैंड कैसे पोल्यूटेड हो रहा है वो भी हम लोग देखते हैं। पहला है थ्रोइंग द वास्ट फ्रॉम द हाउस इन ओपन, हम लोग अपने घरों से
जो कूड़े कचरे होते हैं उसको हम लोग ओपन में फेंक देते हैं। दूसरा, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स, और किसानों के द्वारा आवश्यकता से अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र मतलब रासायनिक खाद का जो यूज हो रहा है उसके कारण भी जो है से लैंड पोल्यूशन हो रहे हैं। थ्रोइंग द पोलूथीन बैग्स इन द ओपन, और ये जो कैरी बैग पोलोथीन आजकल चला हुआ है उसको भी हम लोग जो है से ओपन में फेंक दे रहे हैं, उसके कारण भी आपका लैंड जो है से पोल्यूटेड हो रहा है। डंपिंग ऑफ वास्ट वाई फैक्ट्री, और फैक्ट्रियों के द्वारा जो डंपिंग की जा रही है उसके कारण भी जो है से लैंड पोल्यूशन हो रहा है। अगला है नॉइज पोल्यूशन मतलब साउंड पोल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं। साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज। कहने का मतलब है कि जो साउंड हमारे कानों को सुनने में तेज कर्कश लगे उसको हम लोग नॉइज कहते हैं। टू मच नॉइज काउजेज नॉइज और साउंड पोल्यूशन, आवश्यकता से अधिक जब साउंड होता है तो उसको हम लोग साउंड पोल्यूशन कहते हैं। सम ऑफ द काउजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर लिस्टनिंग टू लाउड म्यूजिक एंड टेलीविज़न, बहुत तेज आवाज़ में जब हम लोग म्यूजिक सुनते हैं या टेलीविज़न देखते हैं। अगला है एक्सेसिव हॉकिंग बाई व्हीकल्स, आजकल एक प्रथा चली हुई है कि वाहनों के द्वारा आवश्यकता से अधिक जो है से ध्वनि निकालना मतलब तेज हॉर्न बजाना। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स और पटाखों की जो आवाज़ होती है उससे भी जो है से आपका नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। और लास्ट है यूज ऑफ लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर में जो तेज साउंड में जो बजता है उसके कारण भी नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। लाउड नॉइजेज कैन हार्म आवर ईयर्स एंड कैन ऑल्सो कॉज परमानेंट डैमेज टू आवर हियरिंग एबिलिटी, और लाउड नॉइज के कारण मतलब तेज आवाज़ के कारण हमारे कान खराब हो सकते हैं, और ऑल्सो कॉज परमानेंट डैमेज टू आवर हियरिंग एबिलिटी, और यह जो है हमारे सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दे सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इट्स ए फैक्ट। वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर ऑन 5th June, और हम लोग प्रत्येक साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। प्लांट फॉर द प्लैनेट ए वर्ल्ड वाइड ट्री प्लांटेशन कैंपेन इज स्टार्टेड इन 2014 टू इनकरेज प्लांटेशन, और 2014 से हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए लोगों को जो है से कंपेजिन के रूप में प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे टू सेव आवर एनवायरनमेंट, अब हम लोग इतना पढ़ लिए पोल्यूशन के बारे में, अब हम लोग कैसे जो है से अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। वी ऑल डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट, हम सभी जो है अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट हैं। वी देयरफॉर शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, और हम लोग को चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित रखें। लेट अस स्टडी सम ऑफ द वे टू सेव आवर एनवायरनमेंट, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव रख सकते हैं, बचा सकते हैं। पहला है प्लांटिंग मोर ट्री कैन हेल्प अस सेव आवर एनवायरनमेंट इन मेनी वे, कराए कि सबसे पहला है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाइए और अपने एनवायरनमेंट को कई तरीकों से इससे बचा सकते हैं। दूसरा है स्टॉपिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, और हम लोग सबसे पहले पॉलीथीन का जो यूज कर रहे हैं उसको बंद कर देना है।
इंस्टेड ऑफ दीज मेकर्स जूट क्लॉथ और पेपर बैग और पोलोथीन के जगह पर हम लोग कैरी बैग के रूप में जूट का इस्तेमाल करें, कपड़े का बैग का इस्तेमाल करें या पेपर बैग का इस्तेमाल करें। सेइंग नो टू फायर क्रैकर्स, और हम लोग फायर क्रैकर्स मतलब पटाखा का यूज न करें। नेक्स्ट है यूजिंग क्लीन फ्यूल लाइक एलपीजी इन द किचन एंड सीएनजी इन द व्हीकल्स, और कह रहा है कि किचन में खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी का प्रयोग करें और वाहनों को चलाने के लिए सीएनजी का प्रयोग करें। थ्रोइंग द वास्ट ओनली इन द डस्टबिन, और जितने भी कूड़े कचरे हैं उसको हम लोग एक सर्टेन जगह पर डस्टबिन में ही फेंकें। वॉकिंग और साइकिलिंग शॉर्ट डिस्टेंस, और छोटी दूरी के लिए हमेशा जो है वो साइकिलिंग का ही प्रयोग कीजिए, साइकिल से ही आइए जाइए। इन सम द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर एनवायरनमेंट, द चेंज इन द एनवायरनमेंट मे ऑकर ड्यू टू द नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। एयर पोल्यूशन कैन काउज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन काउज मेनी डिजीज, साउंड विच इज नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज, वी शुड सेव आवर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बनाने के लिए। सबसे पहले HW के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है टिक द करेक्ट वर्ड। टिक द करेक्ट वर्ड में जो आपको सुटेबल आंसर लग रहा है उसको टिक करना है। जैसे पहला है एनिमल्स आर लिविंग या नॉन लिविंग, तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग में कौन कौन आते हैं और नॉन लिविंग में कौन कौन आते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि एनिमल लिविंग है तो लिविंग में टिक लगाइए, अदरवाइज आपको लग रहा है कि एनिमल्स नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग में टिक लगाइए। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली जगह है उसको भरना है। जैसे पहला है खाली स्थान एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाय नेचर, नेचर के द्वारा प्रकृति के द्वारा हमें कौन सा एनवायरनमेंट जो है से प्रदान की गई है इसके बारे में भरना है। उसके बाद सी में है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, गलत और सही इसको भरना है। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग यहाँ पर आपको जो हमने पहले आपसे भरवाया था ठीक उसी तरह का यहाँ भी है। एनी फोर लिविंग थिंग आराम से आप लोग पढ़े थे अभी, ह्यूमन बीइंग प्लांट ट्री एनिमल्स ये सब उसको भर देना है। एनी फोर नॉन लिविंग थिंग तो अभी हमने पढ़ा था हाउस बिल्डिंग ETC 4 इसमें भरना है। एनी फोर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन तो अभी हमने पढ़ा था वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन वो भर देना है। उसके बाद ई में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको जो है से आप 7 बनाइएगा। बनाने के बाद शाम 4 से 6 के बीच आप जो है से इस होमवर्क को ग्रुप पर भेज दीजिएगा, और उससे पहले हम जो आपको सारा क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं बना के उसको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।